कांफा ब्रीड नहीं होता है, बहुत कांफा हैज नो स्पर्म। फिर क्वेश्चन आएगा तो भाई कांफा की बेबीज कैसे हो रही है, बाप बाप होता है। बट जो लोग नहीं जानते वो कांफा में भी कोक ज्यादा चाहते हैं। बॉडी शेप वाइज भी और टेल वाइज भी आपका उसका काफी सारे क्लासिफिकेशन होता है। बिल्कुल। एक हॉबिस को बोन डेंसिटी कैसे मालूम है? आपको कैसा फिश रखना पसंद है अपने टैंक में, कि जिसका बहुत बड़ा हेड है और वो उसको लेके चल नहीं पा रहा है, उसकी स्विमिंग ठीक नहीं है, वही बेस्ट प्राइस है और आपको जो संतुष्ट कर दिया बस। नहीं, मैं फिर भी उनको और थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा कि दैट इज, मैं आपको कम में क्यों दूं? वीआईपी फ्लावर और एग्जैक्टली ये बड़ा 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 गंदा है। फंसते कौन है? नए हॉबीस्ट, वो बेचारा सोचता है आप खरीद रहे हो, आप रखोगे, जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप नॉलेज कैसे गैदर करोगे। आप अगर सब कुछ आगे बोल दोगे दादा मेरे को पता नहीं, तो भाई साहब आपको कोई भी लूट लेगा। ऐसा जितना डाल रहे हो वैसा ही माल मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। ये फ्लावर ऑन का है बॉस, बड़ा गिमिक है, आप ज्यादा पैसा देके भी कम दाम का फिश उठा सकते हो। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी होगी, क्या क्या देखना होगा इस वीडियो में बात करते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, एनी गेसेस मैं आज कहाँ पे हूँ? आई होप नॉट। आज आया हूँ कलकत्ता का एक बहुत ही एक जन स्पेशल पर्सन के घर में, जिनका नाम है मिस्टर रिकी शर्मा ऑफ एक्वा बडी। मिस्टर रिकी शर्मा जो कि एक जाना बाना और एक चहीते नाम है कैलकटा में, जो कि फ्लावर हॉर्न का वो ब्रीडर भी है, साथ ही साथ वो फ्लावर हॉर्न का सेलर, साथ ही साथ वो तो बहुत ही पुराने एक हॉबिस रह चुके हैं, साथ ही साथ उनका ब्रांड एक्वा बडी, और तो और वो काफी फ्लावर हॉर्न के कॉम्पिटिशंस के जज भी रह चुके हैं। तो चलिए आज मिलते हैं मिस्टर रिकी शर्मा। हेलो 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 हेलो, थैंक यू सो मच। जैसे दादा ने बोला कि एनी गेसेस, काफ़ी लोग जानते हैं मैं यहाँ बैठ के लाइव करता हूँ, तो बैकग्राउंड देख के समझ ही होंगे। एनीवेज, दादा का भी मैं देख रहा था, दो दिन वीडियो आ रहा था अभी, हालांकि लाइक तीन चार महीने में ऑफ था, और सडनली जब मैं वापस आ रहा था तो फिर मैं इनका दो तीन वीडियो देखा। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो इनसे मेरी बात हुई, रिकॉर्ड भी आप यूट्यूब पर उन्होंने मैसेज किया, मुझे भी अच्छा लगा था अभी। ही इज़ लाइक पोर्ट्रेड एवरीथिंग कि इनको इन्फॉर्मेशन देना है। तो यूट्यूब में भी बहुत अच्छे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनमें से दादा भी एक हैं, और ये चाहते हैं कि वीडियो कोलैब करने का एक ही रीज़न था। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं ना बोलता हूँ, इनके साथ एक ही रीज़न था, इन्होंने पहला बोला कि दादा इन्फॉर्मेशन देना है। फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग ऑफ टुडेज वीडियो। वी ऑल नो कि फ्लावर हॉर्न अल्टीमेटली हाइब्रिड है, फिर वो उसका ओरिजिन क्या? फ्लावर हॉर्न ब्रीड हो रहा था, ठीक है, तब तो हम लोग हॉबी के आसपास भी नहीं थे। बैक आई गेस 1992, 1993, 1994, इसी बीच में थाईलैंड से, ताइवान से, मलेशिया से ट्राइमैक, ठीक है, क्यूबन भी है इसमें, ब्लैक के लिए वो बाद में बात करेंगे, ट्राइमैक हो गया, मलेशिया ने मंगवाया ट्राइमैक अमेरिका के वहाँ किसी पार्ट से, थाईलैंड से, ताइवान से, थाईलैंड से इन लोगों ने हाइब्रिड पैरेट मंगवाया। ये मंगा के इन लोगों ने ब्रीड स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन तो हमें है, उसके बाद कैसे क्या हुआ ये बोलना बड़ा मुश्किल है। ये मैं क्या, अगर जिसने किया वो भी प्रूव नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से अगर आप इंडिया में हो, मतलब इंडिया से भी देख रहे हो, इंडिया से ही देखोगे ज़्यादातर, या बाहर से भी देख रहे हो, तो लोग बोलते हैं कि मैंने पैरेट की ब्रीड की। तो ये वही बंदा बोल सकता है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि पैरेट ब्रीड होता ही नहीं है, क्योंकि पैरेट का पेरेंट्स पैरेट है ही नहीं। पैरेट की फीमेल एग देगी, मेल कभी हैच नहीं करेगा, दे हैव नो स्पर्म, एकदम स्ट्रेट कट है, वरना अगर पैरेट होता तो आज हमारे घर में भी ब्रीड होके रहता। तो ऐसा ही कुछ है, हर एक ट्रेड का एक सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट निकला नहीं। बस बोलना बड़ा मुश्किल है कि उसके बाद क्या हुआ, बस जितना इन्फॉर्मेशन है वही है कि लाइक मलेशिया ने सब जगह से मछलियाँ जुगाड़ की और उन लोगों ने कुछ बनाया और वहाँ से कुछ निकला। मिस्टर रिकी, ये जानना चाहेंगे कि एज टू फ्लावर हॉर्न कितना वैरायटी, कितना वेरिएशंस कितना है,
और हर वेरिएशन का आप अगर उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप थोड़ा अगर बतला पाइए। देखिए फ्लावर हॉर्न में जो बेसिकली जो चीज़ है वो तीन ही है, ठीक है, एक काम्फा हो गया, एक जीजी हो गया, ये दो जो है वो मेन चीज़ है। अब जैसे अगर फेडर का बात हम लोग करें, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बोलना चाहूँगा वरना आप नहीं समझ पाओगे। जब फ्लावर हॉर्न्स आ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जो पुराने हॉबिस्ट है जो देख रहे हैं या जो नए हैं और ये वीडियो ये बात के बाद अगर वो सर्च करेंगे तो समझ में आएगा। पहले एक आता था जिसको बोलते थे हम लोग फेडर। फेडर में क्या होता था, बॉडी वाइट हो जाता था, कहीं कहीं पे थोड़ा सा येलो रहता था या थोड़ा सा पिंक रहता था, तो वो फेडर रहता था, ठीक है। तब के टाइम पे आता था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जिसको हम लोग आरडी बोलते हैं, आरडी में क्या होता था, ग्रीन कलर की बॉडी होती थी या तो ब्लू कलर की बॉडी होती थी। फ्लावर लाइन जो फिश के बीच में जो लाइन आती है दैट्स कॉल्ड फ्लावर लाइन, वो फ्लावर लाइन रहते थे, दो फ्लावर्स हॉर्न में होते थे और वो उतना वाइब्रेंट कलर में नहीं आता था, मतलब रेड उतना डोमिनेंट नहीं हुआ करता था, दैट्स वाई हम लोग उसको आरडी रेड ड्रैगन बोलते थे। और वहाँ पे किंग काम्फा जिसको हम लोग काम्फा भी बोलते हैं, किंग काम्फा का भी कैरेक्टर अलग है बट किंग काम्फा ही है, बहुत सारा मिक्स है। लोग यहाँ पे आप लोग ये सवाल आ रहा है, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग अभी कुछ भी बोलते हैं जस्ट टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट, बहुत कुछ बोलते हैं बट बेसिकली ये काम्फा है। जीजी है जिसको जेंजू बोलते हैं और जेंजू के अंदर रेड ड्रैगन आते हैं, जेंजू के अंदर मागमा आते हैं, जेंजू के अंदर फेडर्स आ जाते हैं, जेंजू के अंदर केमल्स आ जाते हैं और काम्फा का एक अलग सा ही कैटेगरी है। अब अगर रेड ड्रैगन से अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने फेडर के बारे में बताया, रेड ड्रैगन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ब्लू और उतना डोमिनेंट रेड कलर नहीं हुआ करता था। उसके बाद जो सब कुछ रेड ड्रैगन का रहेगा और जो कलर है वो रेड कलर ज़्यादा थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा और वो वाइब्रेंट दिखेगी, अब लोग उसको बोलने लगे सुपर रेड ड्रैगन। बट सुपर रेड ड्रैगन बोल के ना ही थाईलैंड में किसी ने ब्रीड किया ना ही कुछ, वो रेड ड्रैगन ही ब्रीड कर रहे थे। अब म्यूटेशन में थोड़ा सा कलर पॉप आउट हो गया, अब वो थोड़ा सा हाई प्राइस में बिकेगा। सपोज आपके पास अगर आप कुछ बेच रहे हो, सिर्फ और आप अगर आम बेच रहे हो गर्मियों के दिन में, तो आपने 10 किलो आम खरीदा जिसमें से 2-3 आम बहुत अच्छा निकला, तो क्या करते हैं साइज में अच्छा निकला लोग छांट के अलग कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं कि उसको 2 रुपए ज्यादा में बेचेंगे, तो ये वहां पे सीन है। जैसे ग्रेडेशन एक्चुअली। अब वो सुपर रेड ड्रैगन में क्या हुआ, अब वो सुपर रेड ड्रैगन जब होने लगा ब्रीड एक दूसरे के साथ तो कलर और भी ज्यादा अच्छा आने लगा। उसके बाद उसमें थोड़े से पर्ल्स आने लगे, उन लोगों ने और भी कुछ मिला या तो केमल से ब्रीड करा लिया कुछ भी, उसमें थोड़े से पर्ल्स आने लगे, अब लोग उसको किंग एसआरडी बोलने लगे, ठीक है। अब केमल में आते हैं, केमल का जो कैरेक्टर है, केमल का अच्छा नहीं एसआरडी आरडी का आपको पहले कैरेक्टर बताता हूँ। फिश जो होती है इनके हेड इन कंपेयर टू काम्फास या केमल, अभी के केमल के नहीं मैं शुरू के दिनों से बोल रहा हूँ, इन कंपेयर टू देम इनकी हेड थोड़ी सी बड़ी होती थी, कॉक जो होती थी के ओके वो थोड़ी सी बड़ी होती थी। बॉडी शेप आपको लॉन्ग मिल जाता था, बॉडी शेप आपको बॉक्स टाइप मिल जाता था, बॉडी शेप आपको इवन बोनसाई मिल जाता था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे बॉडी शेप के बारे में। तो यहाँ पे उनकी जो फिनेज होती है दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज काम्फा और एज केमल, ठीक है। तो उनका जो मोटा मोटा बात है, हेड बड़ा रहेगा, कलर थोड़ा सा वाइब्रेंट रहेगा, मार्किंग थोड़ी सी यहाँ वहाँ रहेगी, मतलब उतना नहीं रहेगा जितना काम्फा या केमल्स के होते थे। अब तो चलो अभी का बात अलग है, उसके बारे में भी आएंगे। ये हो गया मैग्मा का क्या है। मैग्मा एक्चुअली अगर बोला जाए मैग्मा एक बहुत वीक जीन है। अगर म्यूटेशन में जो वीक जीन निकलता है वो है मैग्मा, वो है फेडर नहीं बोल सकते क्योंकि फेडर हर एक के लाइन पे ही है। हाँ थाई सिल्क, ठीक है, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि थाई सिल्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग जीन है तो बिल्कुल गलत है। अगर आप थाइसिल की फीमेल थाइसिल की मेल के लेके ब्रीड करोगे तो आपका सारा थाइसिल नहीं निकलेगा, पर अगर आप एसआरडी आरडी केमल्स को भी ब्रीड करोगे तो उसमें भी थाइसिल निकलते हैं, तो वो एक वीक जीन है, ठीक है। थाइसिल की क्या होती है कि पूरी कलर एक या तो स्नो वाइट टाइप की रहेगी या तो ब्लूइश टाइप की रहेगी। अगर वो हाई ग्रेड थाइसिल्क है तो उसके बॉडी में कुछ भी ब्लैक डॉट्स नहीं रहेंगे, अगर वो थोड़ा सा मिक्स ज़्यादा है तो
तो ब्लैक डॉट रहेंगे। हालांकि छोटे में जब थाइसिल्क आप ले रहे हो और अगर आपको कोई बोला ये प्रीमियम ग्रेड का थाइसिल्क है, वो थाइसिल्क बाद में जाकर उसके फ्लावर लाइन भी आ जाते हैं और उसका कलर भी उतर के वो रेड भी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया। तो ये कोई भी नहीं बोल सकता है कि 3 इंच का फिश का म्यूटेशन कैसा होगा, बड़ा होकर कैसा हिट करेगा। आप हिट प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर लाइन आपको पता है सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन एक लाइक लाइव है उतना 100% कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई 100% बोलता है तो थोड़ा सा संभल के काम फा में आ जाते हैं। यहाँ पे और कुछ बचा? केमल्स तो हो गया। सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद अ वेरी लिमिटेड नॉलेज इन लाइक फ्लावर गोल्डन फ्लावर दैट इज जीबी बोलते हैं गोल्डन बेस। अब यहाँ पे गोल्डन बेस का कहानी देखिए, मैंने जैसे फेडर के बारे में बात किया, अब फेडर में पहले थोड़े थोड़े येलोज आते थे, थोड़े थोड़े पिंक आते थे, ब्लैक पैचेस आते थे जो कि पील कर जाते, दैट इज कॉल्ड पीलिंग प्रोसेस। वो अगर आपने एक फिश लाया वो पूरा रेड ड्रैगन या सुपर रेड ड्रैगन कैसा है, इवेंचुअली वो फेड करना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड पीलिंग प्रोसेस, ब्लैक होते होते हो गया। तो अब गोल्डन बेस फेडर का क्या है कि उसमें मार्किंग भी रहेगी, उसमें येलो कलर रेड कलर भी प्रोमिनेंट रहेगा, गोल्डन बेस भी एक अलग है, बट फिर से वही गोल्डन बेस सिर्फ गोल्डन बेस प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वो कामफा का बात करते हैं। कामफा मेन गेम कामफा का है बॉस, टू बी वेरी फ्रैंक। जितने भी आप अब्रॉड जाओ, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, वियतनाम जाओ, ताइवान से करो, तो सब एक्चुअली ये पूरा वर्ल्ड वाइड लाइक कामफा के पीछे में ज़्यादा है। क्योंकि कामफा का सबसे बड़ा बात है कि वो एक फिश में जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया होता है। इसका रीज़न ये है कि कामफा ब्रीड नहीं होता है। बहुत सारे हमारे थाई फ्रेंड्स हैं जिनसे हम डील करते थे या डील करते हैं या जिनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं हमारे, तो दे से कामफा हैज़ नो स्पर्म। फिर क्वेश्चन आएगा तो भाई कामफा की बेबीज कैसे हो रही है? Exactly, तो मन में आएगा ना। हाँ, तो कुछ कुछ हैं, अभी भी हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग थाईलैंड के जैसे ब्रीड कर रहे हैं या हम लोग थाईलैंड से आगे निकल गए। नहीं, बाप बाप होता है। अगर आप किसी से कुछ ला के सीख रहे हो, डोंट क्लेम कि आप उससे ज़्यादा जानते हो। आपको पता भी नहीं है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन लोग बोलते हैं हाँ कामफा मैं यूज़ करो, बहुत जो रिनाउंड ब्रीडर्स हैं अपने पेयर्स नहीं दिखाते हैं, ठीक है, अपने पेयर्स कभी नहीं दिखाते वो, और जिनको मार्केटिंग करना है वो पेयर्स अच्छे दिखा दिए, हु कैन से कि उसी के बच्चे हैं, बाल ट्रस्ट पे आ रही है ना। तो कामफा का जो सीन है, कामफा का एक अलग ही ऑडियंस है, कामफा का एक अलग सब कुछ अलग है। अगर बाहर में आप देखोगे कंपटीशन भी और कामफा को लेके ज़्यादा होता है, क्योंकि कामफा में सबसे बड़ी बात इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है तो उसकी लाइफ स्पैन बड़ी होती है इन कम्पेयर टू SRDs केमल्स। क्योंकि केमल्स और SRD मैक्सिमम इतने ब्रीड हो चुके हैं, इतने ब्रीड हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। आप किसी भी हॉबी से, अगर आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी SRD या लाइक केमल्स रख रहे हैं 2 साल 1.5 साल 2.5 साल, अभी तो 2.5 साल भी जीना बहुत मुश्किल होता है, फिश कोलैप्स कर जाता है। बट कामफा में नहीं, कामफा में 4-5 साल अगर बढ़िया से आप रखोगे तो वो काफ़ी दिन चलता है। कामफा का जो कैरेक्टर है उसका फिनिश बहुत तगड़ा होता है। अगर कामफा कोई पसंद करता है, जो जानते हैं कामफा के बारे में, 2-3 चीज़ एकदम ध्यान से देखते हैं, उसकी फिनिश जो होनी चाहिए वो काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए। फिनिश तगड़ा होगा, उसका बोन का डेंसिटी तगड़ा होगा, उसका जो कोक होगा के वो देख के ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, बट जो लोग नहीं जानते वो कामफा में भी कोक ज़्यादा चाहते हैं। तो कामफा का कोक एक्चुअली हार्ड कोक में आता है, बट बॉल कोक भी कामफा निकलता है। और कामफा में भी बहुत कुछ है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, तो इसको लेके अगर डिटेल्स में जाएंगे तो ये वीडियो से इसी के बारे में बन जाएगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज देता हूँ। थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा मन में आया एज यू आर टेलिंग की जो बोन डेंसिटी के बारे में आप जिक्र किए, तो एक हॉबीज को बोन डेंसिटी कैसे मालूम करें? देखिए, मैं जो एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप फिश लेना जा रहे हो, कहीं पे भी आप फिश लेने जा रहे हो, SRD ले रहे हो या कामफा, खास करके कामफा ले रहे हो, तो अगर आपको कोई भी फिश पसंद आ गया सेलर के पास, आप उसको एक छोटा सा एक अमाउंट दे दो कि भैया रखो 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी रखो, और उसको बोलो कि मैं 1-2 दिन में फिर आके ले जाऊँगा, ठीक है। 1-2 दिन में आप उसको बोलना, जब भी विजिट करेंगे उसको खाना ना खिलाए, जो मैं करता हूँ, अगर मेरे आँख के सामने में लेना है, बाहर से लेते हैं तो ऐसा सीन नहीं रहता है। तो वो जब एक दिन खाना नहीं खिलाएगा ना तो फिश भूखी रहेगी, तब उसको आप मिरर या कुछ दिखाओ ना तो वो पूरा पोटेंशियल में आएगा। जब वो स्विम करेगी ना, और एक SRD है केमल स्विम करेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा,
वो जो पीछे का जो वो फ्लेयर करता है, ठीक है, बोन डेंसिटी जितना उसका जो कैल्शियम के लिए बहुत हेल्प करता है, उतना ही फिनिश उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी उसका फिनिश देख के उसका बोन डेंसिटी का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। प्लस शेप, एक शेप में होना चाहिए फिश। अगर आप फिश लो, सबसे पहला चीज देखो वो फिश बैलेंस्ड है कि नहीं। डोंट गो फॉर बड़ा कॉक। आपके फिश के बड़ा कॉक है बट बॉडी शेप गंदा है, वो फिश कभी अच्छा नहीं दिखेगा। सही बात है। बॉडी टू रेशियो मैं देख और क्या हूँ कि हम लोग खास करके मैंने ये मतलब बहुत अर्ली एज से कि सब लोग का हाँ फ्लावर हॉर्न मतलब ही एकदम बहुत बड़ा कॉक होना पड़ा, बट ये मेरा मानना है कि ये दैट इज एज पर मेरा नज़र में बोल रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मेरा नज़र में जरूरत से ज्यादा भी कॉक होता है ना, पर उसका बॉडी का शेप अच्छा नहीं है तो डजंट लुक्स गुड। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ। आपको कैसा फिश रखना पसंद है अपने टैंक में, कि जिसका बहुत बड़ा हेड है और वो उसको लेके चल नहीं पा रहा है, उसकी स्विमिंग ठीक नहीं है और वो बैलेंस नहीं है, या एक हैंडसम कॉक है जिसको लेके वो अच्छा स्विम कर पा रहा है प्लस वो बैलेंस में है। अगर मैं जब जज कर रहा हूँ या मैं जब ऑर्गेनाइज करता हूँ, जब लोग पूछते हैं कि दादा ये फिश पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कैसा लगेगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा फिश देखो अगर मिलता है तो पहला फिश नज़र में आता कि फिश स्विम कैसे कर रही है, फिश कितनी शाई है, ठीक है, ये सब में आएंगे, ये सब में आएंगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग के लिए एक के बाद एक क्वेश्चंस का बौछार मेरा तरफ से मिस्टर रही को तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ काम का उतना क्वेश्चंस तो उतना आंसर्स तो उतना इन्फॉर्मेशन एंड नथिंग स्क्रिप्टेड ब्रो। बोलिए। अच्छा मिस्टर रिकी, तो हम लोग का लाइक फ्लावर हॉर्न्स का आई थिंक बॉडी वाइज भी, बॉडी शेप वाइज भी और टेल वाइज भी आपका उसका काफी सारे क्लासिफिकेशन होता है। बिल्कुल, उसको थोड़ा अगर समझाइएगा। लॉन्ग बॉडी होता है जो कि थोड़ा सा फिश बड़ा होता है, अगर वो अडल्ट पहुंचता है 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 इंच की भी देखी गई है, तो बहुत लोग लॉन्ग बॉडी प्रेफर करते हैं, बहुत लोग शॉर्ट बॉडी प्रेफर करते हैं। अब शॉर्ट बॉडी एकदम नहीं कि एकदम शॉर्ट, वो सेमी लॉन्ग आप बोल सकते हो शॉर्ट बॉडी को। एक आती है बॉक्स बॉडी। बॉक्स बॉडी में क्या है कि वो फिश पूरा कॉम्पैक्ट रहेगा, अगर वो ज़्यादा भी बढ़ेगा 6 इंच 7 इंच पहुँचने में भी उसकी जान निकल जाती है। तो ये तीन चीज़ हैं। अगर टेल का बात करोगे जो कि हालांकि कामफा में ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ रैप टेल, बहुत लोग उसको पिकॉक टेल बोलते हैं, बट रैप टेल में क्या होता है कि पीछे की जो टेल है और ऊपर की जो दो फिन है वो पूरा कवर करके रहता है। अगर आप कामफा ले रहे हो ये सब ज़रूर देखना कामफा के लिए। पर जानना चाहेंगे कि एस टू आपके पास लाइक विच इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फ्लावर, कॉस्टलीस्ट फ्लावर रेयरेस्ट भी कौन सा? देखिए अभी तो ये सवाल अगर आज से आप 3-4-5 साल पहले पूछते तो इसका सवाल का जवाब देना बहुत इजी था। अब हालांकि इंडिया इतना आगे बढ़ गए हॉबी में, अभी कुछ रेयर नहीं रहा, अभी सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मतलब आप किंग कामफा बोल दो, आप हाई ग्रेड बोल दो, एग्जॉटिक बोल दो, ये सब आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा गिमिक है, जैसे आपने पूछा एक्सपेंसिव फ्लावर, मेरे पास चलिए ये है मिनट मेड मैं पी रहा हूँ और इसका लेबल उतार के मैंने इसको मिनट सेकंड कर दिया और मैं इसको सेफर 10,000 में बेच दिया और कोई बायर मुझे मिल गया, तो ये हाई प्राइस नहीं हो गया, ये ओवर प्राइस्ड हो गया। हाई प्राइस जो डिज़र्व करता है, आप जैसा कॉस्टलीस्ट बोल रहे हो, तो कॉस्टलीस्ट में क्या है ना कि फिर से तो थाईलैंड का बात करते हैं, इतने सारे फिशेज आते हैं फ्लावर हॉर्न्स जिसमें जीजी है, कामफा है, सब आते हैं। अब सीन क्या है कि आपको कामफा अगर आप जैसे खरीद रहे हो 250-300 USD के मछली या 350-500 USD की मछली हम लोग जब खरीदते हैं, आप सोचो अगर मैं किसी में 500 USD फंसा रहा हूँ, ठीक है, और वो हर एक घर पे हो या 10 घर पे हो, तो मैं 500 क्यों दूँ? लोग किस में ज़्यादा खरीदते हैं जो थोड़ा रेयर दिखता है। अगर किसी ब्रीडर ने, बहुत अच्छे ब्रीडर ने एक ब्रीड किया, 1,000 बच्चे आए, उसमें से एक बढ़िया निकला, उसका वो प्राइस मांगेगा ही जो वो डिजर्व भी करता है, तब वो मैं ले आया। अब जो ब्रीडर ने मेरे को दे दिया 500 USD का, ये गारंटी नहीं कि वो मेरे को फिर वैसा फिश दे पाए। अगर वो फिर से वैसा फिश दे पाएगा तो इसकी दाम उतनी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको जो मच्छी अच्छा दिख गया वही आपके लिए बेस्ट है, आपको जो प्राइस में मिल गया वही बेस्ट प्राइस है और आपको जो संतुष्ट कर दिया बस। नहीं, मैं फिर भी उनको और थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा कि दैट इज एज टू कि कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रेन ऐसा है कि जो सबसे कॉस्टली होता है फ्लावर में? हाँ, कामफास है।
सबसे कॉस्टली रिसेंटली कामफास में जो देख रहे हैं, जो जानते हैं भौकाल को, सभी जानते हैं, आई सोल्ड, मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, 45,000 में मैंने उसको बेचा। तो आप लोग सोचते हो यार 45,000 का भी फ्लारॉन्स लोग खरीदते हैं? यस, क्योंकि वो जो फ्लारॉन घर पे लेके गया जिस बायर ने, वो थाईलैंड ढूंढ लिया, वो थाईलैंड से ही आया था, वियतनाम से, वो ढूंढ लिया, इंडिया ढूंढ लिया, नहीं मिला, तभी तो वो उतना पैसा दिया। सिंपल सा है ना। तो ऐसा ही है कि मतलब अगर आप पैसा जितना डाल रहे हो वैसा ही माल मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये फ्लावर ऑन का है बॉस, बड़ा गेमिक है, आप ज़्यादा पैसा देके भी कम दाम का फिश उठा सकते हो। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी होगी। सबसे रेयरेस्ट फ्लावर ऑन कौन सा होता है? कुछ रेयरेस्ट है, सब अवेलेबल है अभी, सभी है। हाँ, अभी आप कुछ भी बोलो सब अवेलेबल है। लोग बोलते हैं कि बॉन्साई, जो पुराने लोग हैं बॉन्साई जानते हैं, बहुत पुराने लोग अब शॉर्ट बॉडी को भी बॉन्साई बोलते हैं। बॉन्साई में क्या होता है ना, फिश बोल होती है, उसकी जो स्पाइन होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, बेंट रहती है, एक्चुअली वो डिफॉर्म फिश है, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करती है, उसको बहुत लोग रेयर बोल देते हैं। किसी फिश का कलर वाइट से थोड़ा सा हल्का सा रेड हो गया, उसको बोल देते हैं रेयर पीस। तो ये सब गिमिक है, इस पर मत पड़िए, इस पर बिल्कुल मत पड़िए। अगर वैसा रेयर बोले तो मैं अभी आपको एक पीस दिखा दूंगा, वीडियो भी दे दूंगा, इतनी छोटी में ऑरेंज थी, अभी पूरी की पूरी लाल है, तो रेयर थोड़ी ना हो गई सर, ये उसकी प्रोसेस है। तो इस गिमिक में जाके कभी फिश ना खरीदें। आपके पास एट द टाइम आपके पास मोटा मोटा कितना फ्लावर ऑन आपका रहता है, कितना वैरायटी वेरिएशन? देखिए मैं अगर बोलूँ तो मैं रैंडम सेलर नहीं हूँ, ये मेरा हॉबी है। रैंडम सेलर का मतलब मेरा क्या है कि अगर मेरे को दिल किया कि चलो कुछ अच्छा लाना है, या मार्केट में पहले पाँच महीने पहले मैं देख रहा था कि कामफा, जब हम लोगों ने कॉम्पिटिशन करवाया था तो कामफाज उतने मन के नहीं आए जितने मन के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके लिए मैं कामफाज लेके आया। तो कामफा जब मैं लेके आया तब एक साथ मेरे पास 300-400 कामफाज थे। अगर मेरा कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कामफा ही बेचूँगा, SRD बेचूँगा, अभी सिर्फ मैं कामफा कर रहा हूँ। मैं बिना थर्मोस्टेट के फिश को रखता हूँ कि किसी के भी घर पे जाके वो नाटक ना करे। हम लोग अक्सर फ्लावर ऑन्स के साथ, खासकर जो फेसबुक में काफ़ी सारे एड्स ऐसा आते हैं कि दैट इज 9.9 सीरीज फ्लावर ऑन, 9.9। अच्छा, तो ये एक्चुअली बेसिकली ये चीज़ होता क्या? 9.9 इज अ फार्म नेम। एक सपोज मैं अगर मिनट मेड बेच रहा हूँ, और अगर सपोज़ ये एक और भी कोई सॉफ्ट मतलब लाइक कोई भी सपोज़ ये रियल जूस की है, तो ये अगर दोनों में नाम नहीं रहेगी तो आप किस नाम से पुकारोगे कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो 9.9 जो भी उसके ओनर हैं, ठीक है, वो ओनर जब अपना फार्म बनाए, फार्म का नाम 9.9 दिया, अब उनके जितने फिश हैं अब वो है 9.9 फार्म के फिश। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी आप फिश लो, आप पर्टिकुलर फिश को देखो, कौन बेच रहा है ये मत देखो। ऐसा नहीं कि मैं बेचूंगा तो वैसा निकलेगा। आप सोचो, मैं अगर एक बात बोल रहा हूँ, मार्केट में जितने लोग हैं उन लोग से भी ये बात पूछना है, और मैं पूछता ही रहता हूँ बट लोग जवाब नहीं देते। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक फिश है और ये बेहतरीन फिश है, ये VIP फिश है, और ये फिश मैं आपको कम दाम में दे रहा हूँ, VIP फिश है, बहुत अच्छी फिश है, बहुत लोग कॉम्पिटिशन ग्रेड बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये फिश है, तो आप सोचिए, जब मुझे पता है कि ये फिश बहुत अच्छी है तो मैं आपको कम में क्यों दूं? मेरे को आपको कम में क्यों देना है? मेरे को पता है कहाँ पे कमियां हैं, तभी आपको कमी मिले। नथिंग कम्स चीपर अनलेस बंदा को पैसे की बहुत जरूरत है, या बंदा छोड़ने वाला है। अगर वो बिजनेस में ही रहेगा, आप भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कम में क्यों दोगे? खुद से सवाल पूछो। तो ये सब में मत जाइए, फिर से बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर फिश को देखिए, पसंद आए 2 रुपया ऊपर दे के लीजिए, बट घर पे जाइए, खुशी खुशी जाइए कि टैग में मेरा मनपसंद का फिश आया है। सेलर के बात पे कभी फिश ना ले। दिस कैन लाइक हम 100% आपको बोल सकता है, आप 10 बार में 7 या 7.5 बार ठग जाओगे। और एक जो लोग ये VIP जिक्र कर रहा था, तो ये VIP फ्लावर ऑन एग्जैक्टली ये बड़ा 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 गंदा है, खास करके इंडिया के अंदर, सिर्फ कोलकाता नहीं, हर एक बड़ा गंदा है VIP बोल के। आप सोचो, आप VIP किसी को बोल रहे हो, किसी को टैग दे रहे हो VIP का, तो उसको VIP होना चाहिए। आप एक VIP मछली
हजार रुपया में, 1200 में, 1500 में कैसे बेच सकते हो? उसकी वो कॉस्ट ही नहीं है। तो वीआईपी जब लोग बोलते हैं या हम लोग जब पूछते हैं, भाई वीआईपी का बताओ, ये वीआईपी कैसे तुम बोल रहे हो और तुम बेच रहे हो कम में, और फिश में कुछ है भी नहीं, वो नहीं वेरी इंटेंस पर्ल, तो ये क्या मतलब? तो ये लोग पर्ल्स, ये सिर्फ बात घुमाने का है, मैंने ये लिखने का कोशिश किया। तो फिर फंसते कौन है? नए हॉबीस्ट, वो बेचारा सोचता है कि मैं वीआईपी घर लेके जा रहा हूँ, उसको बहुत हवा में उठा दिया, उसको उसने सारी दामी फूडें बेच दी, सारा मेडिसिन बेच डाला, और बंदा फ्लॉन्ट कर रहा है मेरे पास वीआईपी है। और जिस दिन हम लोग कॉम्पिटिशन में बुलाते हैं मछली को या आते हैं उन लोग, तो उनकी मछली कुछ करती नहीं है, तब उनको समझ में आता है कि भाई ये जो कॉम्पिटिशन में नहीं जाता है तो आज नहीं तो कल आफ्टर 6 months उनको बहुत निराश होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपके सामने तो पोटेंशियल है, आपके सामने जब फिश दिख रही है कि भाई ऐसी भी मछलियां होती, और आप वीआईपी सोचे घर पे लेके रखे हो, हालत वही हो गई कि घर वाली ने मतलब कहीं ना कहीं से आपने लाइक कुछ ले आया और हवा बना लिया, आपको हकीकत पता चलता वो है नहीं जो आपके पास है। हम लोग नॉलेज शेयर कर सकते हैं बट अपना पैसा आपको नहीं दे सकते, जहाँ से हम लोग पैसा बना रहे हैं। तो आप खरीद रहे हो, आप रखोगे, जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप नॉलेज कैसे गैदर करोगे। आप अगर सब कुछ आगे बोल दोगे दादा मेरे को पता नहीं, तो भाई साहब आपको कोई भी लूट लेगा। तो लूटने से पहले थोड़ी सी, अभी तो आप लोग तो यू गाइस आर वेरी लकी, इन आवर टाइम देयर वर नो वन टू हेल्प अस आउट। हम लोग करते 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 सीखे, थाईलैंड में बात करते थे कि ब्रदर दिस हैपेंड, चलो उन लोग हेल्प करते थे। अब हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि उन लोग से बिजनेस था, अच्छा लेते थे तो उन लोग से बिजनेस था, उन लोग हेल्प करते थे, वरना ऐसा कोई थोड़ी ना बोलने जाएगा। तो आपको खुद से सीखना होगा। बस फिर से हर पॉइंट में एक बात बोलूँगा, एकदम से फिश मत लीजिए, जज कीजिए, नहीं है तो बहुत सारे फेसबुक में बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप हैं, वहाँ पर आइए, पूछिए, लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ा सा खुल के पूछिए, नहीं पता है तो नहीं पता, मेरे को भी 10 चीज़ पता नहीं है, और मेरे को झिझक भी नहीं है पूछने के लिए। हर एक इंसान को सब कुछ पता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो नॉलेज बढ़ाइए, तभी आपके घर पे अच्छा चीज आएगा। सिर्फ पैसे दे के भी बेस्ट पीस आए ये भी नहीं होता है। एंड देयर शुड बी नो ईगो, आप पूछने से आप छोटे नहीं हो जाओ, आपका नॉलेज बढ़ेगा। अभी दो बात मैं खुद से ऐड करना चाहूँगा, शायद अब वीडियो का एंड आ गया है। कॉम्पिटिशन, हमारी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन जो है बेटा फिश के लिए, गोल्ड फिश के लिए और फ्लाह ऑन फिश के लिए, हम लोग ऑनलाइन कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। उसके लिए आप दादा को पिंग कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो दादा या कोई भी आंसर कर देंगे। ये हमारा कोलकाता KFF करके फेसबुक में अपना लाइक ग्रुप है, उसमें आइए, और ये फ्री का होता है, कोई एंट्री फी नहीं रहता है। और हम लोग ऑफलाइन भी ये करते हैं जो कि जून में होगा, तो स्टे ट्यून्ड विद KFF, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और दादा को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत दूर से आए हैं, और तकरीबन अभी शायद 3 घंटा हो गया हमारा बात करते करते, 3-4 घंटा दादा भी अब लाइक बहुत ज़्यादा हो गया। Only for you. बिल्कुल, तो वीडियो जैसा बना नहीं बना, कुछ अगर गलत रहा आप लोगों को तो खुल के बात कीजिए, कुछ बढ़िया रहा उसको भी खुल के बात कीजिए, बट प्यार दीजिए दादा को, मेहनत दिखता है। चलिए, साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, आई थैंक्स मिस्टर रिकी शर्मा अ लॉट, थैंक यू रिकी जी, चलिए तो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी आर वाइंडिंग अप टुडेस वीडियो। आप मेरा चैनल भी देखते रहिएगा, और जो लोग आपका ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल कीजिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट विनिंग, पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज हार है तो आपका कल आपका जीत है। सो इन दिस वे I wish you all a very happy flag on keeping. अच्छा, तो आपका कंपनी का तो डेफिनेटली बहुत एक खूबसूरत नाम है, दैट इज एक्वाबडी। तो ये जरा बोलिए कि ये एक्वाबडी नाम कहाँ से आया?